तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14A। तो 14A में जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करके पूछो क्या प्रॉब्लम है। बोलो सानिया। सर जब आपने लास्ट लेक्चर में वो बताया था इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट की वो कि कॉस्ट माइनस डेप्ट बुक वैल्यू आएगी तो लॉस तो हमें पता लग गया और फिर आपने बोला कि डेप्रिसिएशन 20,000 आएगा और क्वेश्चन में दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 18,000 तो हम 18,000 लेंगे या 20,000। देखो ये जो डेप निकल के आता है कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, ये मोस्टली एक पर्टिकुलर मशीन के लिए होता है, ठीक है। और जब लिखा होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर तो वो होता है टोटल डेट ऑन ऑल मशीन्स। तो हम किसी एक मशीन का डेट क्यों लिखेंगे, हम तो टोटल डेट लिखेंगे, तो इसलिए हम डेट यहां पर लिखेंगे 18,000। लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ये वाला डेट यूज किया जाएगा, लेकिन जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखने की बारी आएगी नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर तो ये वाला डेप यूज किया जाएगा कि हमारे बिजनेस का खर्चा कितना है। टोटल डेप कितना लगा, 18,000 लगा सब मशीनों पे, ये होता है। तो सर ऐसे ही करके देखा था लेकिन तब भी आंसर मैच नहीं हो रहा था। वो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं थोड़ा सा और बेसिक क्लियर कर रहा हूँ सब बच्चों का। जो ये वाला डेप होता है ये आता है टोटल डेप ऑन द पर्टिकुलर मशीन इन इट्स होल लाइफ। ये खाली इस साल का नहीं है, ये जो कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करके आता है ये पूरी हिस्ट्री का डेप आता है, उस एक पर्टिकुलर मशीन की पूरी लाइफ का डेप आता है। तो ये खाली इस साल का खर्चा तो है नहीं जो मैं इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूंगा, लेकिन जो ये डेप होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये पक्का है कि ये खाली इस साल का है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन ऑल मशीन्स, बस सारी मशीन का सिर्फ करंट ईयर का डेप, खाली एक साल का डेप वही होता है। तो हमारा मतलब तो ऑब्वियस सी बात है इसी डेप से है, हमें तो खाली इसी डेप से मतलब है बेटा। इतनी बात क्लियर है, फोर्टीन ए का आपका आंसर नहीं आ रहा है वो हम चेक करते हैं। एक तो नेट प्रॉफिट है आपका 89 माइनस 71, नहीं 71 माइनस 89 तो लॉस आ जाएगा, कितना आ रहा है 18,000 आ रहा है, तो माइनस के यूज किया जाएगा क्योंकि लॉस है। टैक्स और डिविडेंड के लिए ऊपर कुछ नहीं दे रखा, प्रोविजन फॉर टैक्स
और प्रपोज्ड डिविडेंड के रूप में एडजस्टमेंट को लिया जाएगा 23 एंड 36, ये दोनों प्लस होंगे। तो ये दोनों प्लस हो गए, ये माइनस हो गया, तो निकाल लो कितना आ रहा है, 41 आ रहा है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। नहीं, ये तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समय आपका इतना सही है, जल्दी बताओ हैंडल्स करके। यस सर। अच्छा इतना सही है, चलो। हाँ जी सर। आगे का पलक ने कर रखा है, पलक मुझे या सीधा सान्या को सॉल्यूशन भेज दो उसका। वो भेज रही है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो मुझे दोबारा बताना। ओके सर। ओके। क्वेश्चन 26। पलक सीधा मुझे भेज दो सॉल्यूशन उसका, एक दो बच्चों को और चाहिए, मैं सबको भेज देता हूं। क्वेश्चन 26 में जिस जिसको प्रॉब्लम है हैंडल्स करेंगे। क्वेश्चन 26 में जिसको प्रॉब्लम है रेज योर हैंड। हैंडरेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, कमाल की बात है। हेलो बोलो सर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आज। पता नहीं सर, क्वेश्चन 26 में मुझे इंटरेस्ट फंड डिबेंचर्स बता दो एक बार, कैसे निकलेगा ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अनम्यूट ना करना अभी, मतलब म्यूट ना करना, ठीक है। डिबेंचर से पहले लिखा है 10%, और ओपनिंग क्लोजिंग दो बैलेंस दे रखे हैं, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है। अच्छा अगर अब देखो, पहले 1 लाख के थे फिर 2 लाख के हुए, इसका मतलब पक्की बात है कि आपने और डिबेंचर्स इशू किए होंगे, मोर डिबेंचर्स वर इशूड। नॉर्मली क्वेश्चन में ये डेट नहीं दी होती कि ये आपने कब इशू की, नॉर्मली ये डेट नहीं दी होती। तो हम ये मानते हैं कि जो 1 लाख के बाद आपने 1 लाख के डिबेंचर और इशू किए हैं, ये ईयर के एंड में किए होंगे, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में डेट दे रखी है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में, न्यू डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1st October 2000। इन्होंने 15 लिखा है, आप डेट सही कर लेना, 18 कर देना उसको, ईयर के हिसाब से कर देना, मतलब मिस प्रिंटिंग है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर तो निकलेगा पूरे साल का इंटरेस्ट, और जो और इशू किए हैं एडिशनल डिबेंचर्स है उस पर भी 10% निकलेगा, लेकिन 6 महीने का निकलेगा, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हमने उसको यूज किया, तो 6 महीने का ड्रैप निकलेगा। बोलो पालक। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, ये दस सर, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन जो है वो 30,000 लेंगे ना? डेप्रिसिएशन, हाँ
अच्छा एडजस्टमेंट में रखा है ना, हाँ 30 लेंगे। थैंक यू। ओके ये आ गया 15,000। ट्वेंटी सिक्स में किसी और की कोई और प्रॉब्लम भी है तो एड्रेस करो तुरंत। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशंस पर। इलस्ट्रेशन 30, जिसकी प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन 30 वो लोग हैंडल्स करें। हाँ शिवानी, सर इसमें हमने प्लांट अकाउंट डेबिट क्यों करा, उसका लॉजिक बता दीजिए एक बार। म्यूट ना करियो, और ओके सर। ये तो क्वेश्चन मैंने दिया ही था होमवर्क में। सही, इलस्ट्रेशन 30। अबे वेट करो। नहीं मैं क्यों वेट करूँ? सर वो कोई था। अच्छा नहीं, ये ना ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था, क्योंकि इसमें मशीन के साथ साथ एक्युमुलेटेड डेट के बैलेंस भी दे रखे हैं। ये हाँ एडजस्टमेंट जी दोनों सर। थोड़ा अलग है, तो मैंने ये तो होमवर्क में दिया ही नहीं था। ओके सर, सर वो गलती से हो गया होगा। कोई बात नहीं, 32 वाले बच्चे हैंडल कर लें। हाँ दिव्य, सर इसमें डिविडेंड वाली बात नहीं समझ में आई। 5% % डिविडेंड वाज डिविडेंड, रिसीव्ड फ्रॉम माइको लिमिटेड। हमने माइको लिमिटेड के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो उन्होंने हमें डिविडेंड दे दिया, तो वो होता है डिविडेंड रिसीव्ड, कि हमको कितना डिविडेंड मिला है, हमको कितना डिविडेंड मिला है। 9% मिला है हमारी इन्वेस्टमेंट पर। कुछ गिवन ना हो कि आपने वो पैसा कब लगाया, तो हमेशा आप ओपनिंग वाले वैल्यू पर ही डिविडेंड की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ये सब करते हैं। ओपनिंग वैल्यू आ रही है इसमें 8 लाख। ₹72,000 का डिविडेंड आ जाएगा। बोलो, आपने म्यूट कर दिया होगा यार। जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक है, जब तक बच्चों की प्रॉब्लम खत्म ना हो, जो बच्चा पूछ रहा है, म्यूट ना करें। चलो और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे की? ठीक है, हमारी चल रही है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स को भी समझना जरूरी होता है, पर उससे पहले थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जाए। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा। तो आंसर फाइंड कर लिया बच्चों ने, एक बार चेक कर लेते हैं। आपने जो जो किया है एक बार चेक कर लो। ठीक है, परचेज ऑफ मशीन आपने माइनस किया है, परचेज ऑफ बिल्डिंग आपने माइनस किया है, सेल ऑफ फर्नीचर आपने प्लस किया है,
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने माइनस किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीव्ड प्लस डिविडेंड रिसीव्ड प्लस आपने किया है, तो चार चीजें प्लस है और तीन चीजें माइनस है। माइनस वाली चीजें आ रही है 2,40,000 और प्लस वाली चीजें आ रही है, अरे दो मिनट शांति ले लो, 20, 10, 30, 45, 57 ये प्लस वाली आ रही है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं बेटा, 1,80,000 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है आप जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पूरा पूरा लिखेंगे, और जब आंसर लिखेंगे तो वो भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे ये। दिस इज द वे टू प्रेजेंट द आंसर, किसी को डाउट हो तो जल्दी से एड्रेस कर दो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जिस जिसको डाउट है जल्दी से एड्रेस कर दो, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कर दो फटाफट, इसका भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट भी ले लो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड भी कर लो। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसमें ये और ये तीन चीज तो माइनस में आएंगे, दिस वन एंड दिस वन ये प्लस में आएंगे, जिनके राइट साइड पर टिक लगा है ये सब प्लस में आएंगे, लेफ्ट टिक वाले माइनस में जाएंगे, तो माइनस वालों का टोटल आ रहा है 2,20,000, प्लस वालों को आ रहा है 77,000, तो 43 आपका आंसर आया, नहीं 143, एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर एक बार दोबारा चेक करते हैं, जीरो जीरो जीरो, दस में से सात गया तीन, ग्यारह में से सात गया चार, 1,43,000, ठीक है, जिस जिसका नहीं आ रहा मुझे बता, एड्रेस करते हैं। ये इसका आंसर आएगा बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है, ये तो हो जाएगा सेल परचेज, नहीं ये नहीं करना अभी कुछ गड़बड़ है, हाँ अब ये क्वेश्चन उठाओ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से,
चलो इसको ट्राई करो बेटा जल्दी से। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप पूरा पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक। सबसे पहले आइटम है इन्वेस्टमेंट्स। हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, ठीक, और नीचे भी इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो इसको आप ना क्वेश्चन में आप ऐसा कर लो, मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, सही कर लो, इसको लिख दो अदर, अदर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ऊपर वाली से अलग है। तो सबसे पहला पॉइंट था इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ आरबीएल लिमिटेड। पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 16 लाख की, नहीं नहीं ईयर उल्टे है, पहले थी 9 लाख की, अब कितने की है, 16 लाख की है, यानी कि आपने और पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक। तो आप लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन आरबीएल लिमिटेड और ब्रैकेट में दिखाते हैं 7 लाख रुपीज, कि आपने 7 लाख रुपए और दिए हैं, ठीक। इसके बाद आती है 9% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अदर, उसके अलावा आरबीएल के अलावा, पहले 6 लाख थी और अब हो गई 2 लाख, यानी कि आपने इस साल पैसा इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि जो इन्वेस्टमेंट थी उसको बेच दिया, ठीक। अदर इन्वेस्टमेंट्स 9% वाली जो है वो हमने बेच दी है 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख रुपए हमारे पास आ गए क्योंकि 6 लाख 2 लाख की रह गई, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है, पहले 4 थी और 6 हो गई, तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमने वो खरीदे हैं, परचेज्ड, परचेज है तो पैसा गया होगा 2 लाख रुपया। फर्नीचर 3 लाख से 1 लाख हो गया, यानी कि फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर सोल्ड 2 लाख। अब बच्चों का बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहा था कि गुडविल अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, तो बेटा उस क्वेश्चन का जवाब देने का टाइम आ गया। देखो गुडविल पहले थी 50 की, अब है 1,10,000 रुपए की, तो इसका मतलब गुडविल बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपने गुडविल को परचेज किया है, और ये भी जैसे बाकी चीजें आपने परचेज करी है और आप माइनस करते हो, ऐसे गुडविल को भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लोगे और लिखोगे गुडविल परचेज। जितनी बढ़ रही है उतना पैसा आपने और लगाया है, तो ऑब्वियसली बात है माइनस करना पड़ेगा, लो माइनस, माइनस वाली चीजों को हमने ब्रैकेट लगा दिया, प्लस वाली चीजों को हमने ओपन रखा, आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आप डाल देंगे। माइनस वाले हैं 7,60,000, बल्कि 2 लाख ये भी है 9,60,000, और प्लस वाले हैं 4 लाख और 6 लाख, सिर्फ 6 लाख प्लस के। हाँ अभी भव्य ने एक बात याद दिलाई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे परसेंटेज दे रखी है और हमने उसका यूज ही नहीं किया, बहुत गलत बात है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा और हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कुछ ना दे रखा हो तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट निकलता है, 6 लाख पर निकलेगा 9%, 54,000 आ जाएगा बेटा, 54, ये प्लस होगा बेटा, ये प्लस होगा, ठीक है, तो ये भी प्लस वाले में आ जाएगा। अब आप प्लस माइनस का डिफरेंस देख के आंसर निकाल दो कितना आ रहा, ब
बिल्कुल सही जवाब, 3,06,000 माइनस का आ रहा है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो, किसी को डाउट हो तो जल्दी से एड्रेस कर दो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं। गुडविल हमारी फिगर सेट है, अगर हम उसको परचेज सेल करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, लेकिन अगर गुडविल सिर्फ डिक्रीज हो रही है तो उसे हम सेल नहीं मानते। गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम सेल नहीं मानते, ठीक है ना, उसे हम उस पर डेप्रिशिएशन मान देते हैं, रिटर्न ऑफ मान लेते हैं। इस वजह से गुडविल को हम ऑपरेटिंग में यूज कर लेते हैं। अदरवाइज गुडविल फर्नीचर बिल्डिंग की तरह ही हमारी एक फिक्स्ड सेट है, बस वो फर्क इतना है कि इंटेंजिबल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप इनकी फोटो ले लीजिए बेटा। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, जितना दिख रहा है उतने की फोटो ले लो। हो गया, चलो नीचे का और दिख जाएगा ये, लो फोटो फटाफट। मैं आपको चलो पीडीएफ ही शेयर कर देता हूँ, छोड़ो पड़े, ये लो, मैं एडिट नहीं कर पाया लेकिन मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, मैं आपको पीडीएफ ही दे देता हूँ। एक मिनट पीडीएफ दे दूँ आपको पहले, फिर आपसे बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स, शीट मैंने आपको भेज दी है, अब मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं। शीट में शुरू में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 10 क्वेश्चन के बाद यहां से शुरू होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ये क्वेश्चन 1 से शुरू करते हुए एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी बात है। और आपको वन से शुरू करते हुए, अभी मैं आपको बहुत ज्यादा टफ वाले नहीं दूंगा, 1 से 11 तक कर लेना बेटा, 1 to 11, ठीक है। 1 to 3 तो हम कर चुके हैं, 4 to 11 करने वैसे के लिए आपको, ठीक है। चलो कुछ कहना हो तो बताइए, अदरवाइज क्लास को लीड करता है बेटा। जिन बच्चों की फीस रहती है वो फीस जल्दी से जमा करो बेटा, जिनकी फीस ड्यू होगी। चलो ठीक है भाई।